CUET 2023 एग्रीकल्चर, जो कि स्टूडेंट इच्छुक हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और इनका जो फॉर्म है कल से स्टार्ट हो गया है, फिलअप कर सकते हैं आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके SUET.NT.NIC.IN पे, और यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी एक मंथ है, आराम से आप फॉर्म फिलअप करिए। जैसा कि हमने कल ही बताया था वीडियो में कि अब से आज से यानी कि स्टार्ट होने जा रही है हमारी सीरीज़, जिसमें BHU के जो पुराने पेपर हैं या CUET के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डोमेन हो, फिर चाहे सॉयल साइंस, कंजर्वेशन, सारे हम लोग वन बाई वन करके यहाँ पे क्वेश्चन को लाते रहेंगे, डिस्कस करेंगे उससे। तो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपसे पूछा गया है मस्टर्ड सप्लाई ले एक ऑन, जो मस्टर्ड की सप्लाई है वो कहाँ पे एक्ट देती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीफ की मार्जिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडियन ग्रेन स्टोर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बाद इस्टेब्लिश इन, तो इसका जो राइट आंसर है 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन है रेयरिंग ऑफ स्टिंगलेस बी इज नोन एज, तो इसको कहते हैं मेरिनो पोलिनीकल्चर, तो राइट आंसर इसका इसमें तीसरा है। अगला क्वेश्चन है फुरसोरियल लेक्स आर फाउंड इन, तो जो फुरसोरियल टाइप के लेक होते हैं मोल क्रिकेट में पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर है मोल क्रिकेट। अगला है लीची एरिनियम माइट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, जो लीची इरेनियम माइट है ये इरियोफाइडी फैमिली से बिलोंग करती है, तो राइट आंसर इसका दूसरा है। अगला है वेक्टर ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का जो वेक्टर है वो है लीफ ऑफर, इसका राइट ऑप्शन है वो है 4। अगला है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्रीसाइड, एक्रीसाइड्स क्या होते हैं जो इसको मारते हैं एक्रीसाइड्स को, ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है वो एसिटा मैप्रीड, ठीक है, राइट ऑप्शन इसका 4 है। पालू बीटल जो कि एक मेजर पेस्ट है पेपर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टी शेप मार्किंग ऑन मार्बल साइज मैंगो फ्रूट इज ए सिप्टम प्रोड्यूस बाई, तो इसका राइट आंसर है वो है नट वीबिल, ऑप्शन नंबर 1। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हैविंग स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, तो जितने भी डिप्टेरन्स होते हैं इनमें स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, राइट आंसर इसका 4 है। अगला है फिनो ऑक्सीकार्प इज ए, तो फिनो ऑक्सीकार्प इज ए जुबेलियन हार्मोन होता है, राइट आंसर ए है इसका। अगला है कॉसिनियल इंसेक्ट प्रोड्यूस श्री शम कलर डाई विच इज, क्या होता है, कौन सा एसिड होता है ये, तो ये तो है कार्मिनिक एसिड, कार्मिनिक एसिड ऑप्शन इसका 20 सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रस्ट डिजीज काजिंग फंगल जीनस, तो जो रस्ट डिजीज है ये यूरोमाइस में आता है। अगला है द कॉमन सिप्टम प्रोड्यूस बाई फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन इज, तो फाइटोप्लाज्मा के इन्फेक्शन का जो कॉमन सिप्टम है वो है फाइलोडी, जो कि किस में होती है, आपको शिश्मों में या तेल में देखने को मिलती है माइकोप्लाज्मा के थ्रू। अगला है हु एस्टेब्लिश्ड फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस एज द कॉजल एजेंट ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो जो फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस है एज ए कॉजल ऑर्गेनिज्म लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के किसने हु एस्टेब्लिश किया, इसने किया था, तो एंटोनी वन लियुवेनॉक ने, इसने, राइट ऑप्शन इसका 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगीसाइड इज सिस्टमेटिक इन नेचर, सिस्टमेटिक इन नेचर कौन सा फंगीसाइड है, तो राइट ऑप्शन इसका बनेगा कार्बेंडाजिम, और सिस्टमिक फंगीसाइड क्या होते हैं, ऐसे फंगीसाइड जिनको हम अप्लाई करेंगे प्लांट पे, वो प्लांट के पार्ट के थ्रू घुल के उनके शरीर में जाएंगे और फिर वो पूरे प्लांट को डैमेज करेंगे या उस वीड को किल करेंगे, ठीक है, या फंगस को किल करेंगे, तो फंगस केस में फंगीसाइड हो गया, वीड के केस में वीडीसाइड हो गया आपका, ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका था फंगीसाइड कार्बेंडाजिम, जो कि सिस्टमिक नेचर में है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन प्रोड्यूस जू स्पोर, जू स्पोर क्या एक होता है, जू स्पोर एक होता है, क्या होता है, स्पोर्ट्स, तो जो स्पोर होता है ये एसेक्सुअल स्पोर्ट्स कहलाता है, और ये पिथियम अफेरिनी डर्मेटम में पाया जाता है, और पिथियम अफेरिनी डर्मेटम डैम्पिंग ऑफ कॉज करता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियल बिल्ट ऑफ सोलनेशियस क्रॉप इज काज बाई, जो बैक्टीरियल बिल्ट है सोलनेशियस क्रॉप में किसके थ्रू होती है, तो ये होती है रालिस्टोनिया सोलनेशियम। अब बैक्टीरियल बिल्ट होती है एक वायरस के थ्रू बिल्ट होती है, एक फंगस के थ्रू बिल्ट होती है, और एक एबायोटिक कारण से बिल्ट होती है। जो वायरस के थ्रू बिल्ट होती है इसमें सीधे प्लांट एक ही बार में
मुरझा जाता है। लेकिन जो फंगस की बिल्ट होती है, इन दोनों में डिफरेंस आप समझेंगे तो सिर्फ आपको एक कॉमन फैक्टर मिलता है कि जब फंगस के थ्रू बिल्ट होती है तो जो फंगस होता है ये प्लांट के फ्लोएम पार्ट पे अटैक करता है। जब अटैक करेगा तो प्लांट धीरे धीरे मुरझा जाएगा। पहले उसकी लीफ नीचे वाली मुरझाना शुरू होगी, और मुरझात क्यों जाती है, क्योंकि जो फ्लोएम होता है यहाँ से फूड मटेरियल प्लांट के पूरे पार्ट में सप्लाई होता है, और इसको जो फंगस होता है वो चोक कर देता है। इसी कारण इसकी जो प्लांट की होती है डेथ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल बिल्ट ऑफ सोलेनेसी क्रॉप पूछा था, तो इसका राइट आंसर जो होगा राल स्टोनिया सोलेनेस सीरम होगा। ठीक है, जिंतोमेनस कम्पेटिस के थ्रू कैंकर होता है, रेबिनिया कोरोटोबोरा यहाँ पे दिया गया है, और पेक्लोबैक्टीरियम एस्ट्रो सेप्टम दिया है। अगला क्वेश्चन है, राइस टुंगरू बेसिली फॉर्म वायरस इज ट्रांसमिट बाई, जो राइस टुंगरू बेसिली फॉर्म वायरस होता है ये ग्रीन लीफ हॉपर के थ्रू होता है। ये इसमें दो वायरस वर्क करते हैं, राइस टुंगरू बेसिली फॉर्म वायरस और एक होता है राइस टुंगरू स्फेरिकल वायरस। तो दो वायरस होते हैं इसमें, आप ध्यान रखिए कि जो ये डिजीज है ट्रांसमिट होती है ग्रीन लीफ हॉपर, इसका साइंटिफिक नेम होता है निपोटेटिक स्पारसेंस, और इसका भी राइट आंसर जो है ए ऑप्शन है, राइस टुंगरू बेसिली फॉर्म वायरस ट्रांसमिट होता है ग्रीन लीफ हॉपर के थ्रू। अगला है पनामा बिल्ट ऑफ बनाना, जो बनाना में पनामा बिल्ट लगता है ये होता है फ्यूजरियम ऑक्सीस्पर्म फार्मा स्पीसीज, यहाँ पे एफ और डॉट स्पीसीज दिया, तो इसका मतलब है फार्मा स्पीसीज क्यूबिशेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंगल बायो कंट्रोल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट सॉयल बॉर्न फंगल पैथोजेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो टाइकोटर्मा हेजाइनियम है, और ये एग्जाम्पल है बायो कंट्रोल एजेंट का फंगस में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लूज स्मट ऑफ व्हीट पैथोजन। तो व्हीट व्हीट पैथोजन कौन सा है, इंटरनली शीट बॉर्न है लूज स्मट। ठीक है, और इसका जो काजल आदि में क्या है लूज स्मट का, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए अपना आंसर, और साथ ही साथ इसके लिए क्या क्या उपचार हम करते हैं, कौन से मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अपनाते हैं, और इसकी खोज किसने की थी ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है नेम स्ट्रक्चर ऑफ पैथोजन ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पैटेटो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ डिजीज इन अ प्लेन ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो डॉर्मेंट हाइपी प्रेजेंट इन ट्यूबर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज, इसका राइट आंसर आपको फोर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिलो स्पोर्स ऑफ पक्षीनिया ग्रह मिनिस्ट्यूटिसाई इज ए टू सेल, गेहूं में आपको ये ज़्यादातर रस्ट देखने को मिलता है, और तीन प्रकार का रस्ट होता है, ये होता है ब्लैक रस्ट जिसको हम स्टेम रस्ट कहते हैं, फिर आता है एक स्ट्रिप रस्ट जिसको हम स्ट्रिप रस्ट होता है, और फिर एक होता है आपका ब्राउन रस्ट, ठीक है, जिसको हम ऑरेंज रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और इसके जो डेलियोस्पोर होते हैं वो टू सेल्ड होते हैं, किसके पक्षीनिया ग्रेमिनस ट्यूटिसाई यानी कि ब्लैक रस्ट के, ठीक है, या स्टेम रस्ट के। फ्रूट हैविंग फिट इन वाटर एंड हेड इन फायर, तो इसको ये तो एक प्रूव है जिसको आप खूब सुने होंगे हॉर्टिकल्चर जब भी पढ़ते हैं, तो फ्रूट हैविंग फिट इन वाटर एंड हेड इन फायर, तो राइट ऑप्शन इसका थ्री है, डेड प्लम है इसका। अगला है द बोटेनिकल फॉर्म ऑफ कीवी, कीवी की जो बोटेनिकल फॉर्म है इसको हम बेरी कहते हैं। फिर आता है विशुफ इज अ वेराइटी ऑफ, जो कि एप्पल की है, राइट आंसर आपका ए है यहाँ पे। और फिर देखने को मिलता है ग्रेनुलेशन, जो कि एक सिट्रस की मेन प्रॉब्लम है, तो राइट आंसर इसका फोर बनेगा। फिर आता है अल्ट्रा ड्रॉप रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, जो अल्ट्रा ड्रॉप रूट स्टॉक है एप्पल का वो है M27, और यहाँ पे ये दिए हैं ये कुछ इसमें सेमी है, कुछ होते हैं मीडियम, तो आप टेबल के थ्रू इस पिक्चर के थ्रू इसमें आप देख सकते हैं कौन सा डॉर्फ है कौन सा सेमी डॉर्फ है। अगला है विग्ना अग्निकुलाटा इज बोटेनिकल नेम ऑफ, तो विग्ना अग्निकुलाटा काउपी को कहते हैं, और अगला इसका राइट आंसर भी काउपी बनेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है सिरकेट्री इज अ वैरायटी ऑफ, तो ये ग्रेटर याम की वैरायटी है, राइट आंसर इसका वी है आपका। फिर आता है रूट नॉट निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ टोमेटो, तो टोमेटो की जो रूट नॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है वो है सेलेक्शन 120, इसका राइट आंसर आपका फोर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है लीक इज ग्रोन फॉर इट्स ब्रांच्ड स्टेम एंड लीफ के थ्रू, राइट आंसर ए मिल जाएगा आपको देखने को। अगला है पूषा अशराज इज ए वैरायटी ऑफ, तो ये हाइब्रिड मस्कमेलन की वैरायटी है, और राइट आंसर आपका इसमें दो देखने को मिल जाएगा। अगला है सोनार बंगला इज ए वैरायटी ऑफ, तो सोनार बंगला जो वैरायटी है वो क्राइसेंथेमम की है, राइट आंसर ए देखने को मिलेगा।
अगला है स्लीपीनेस इज एसोसिएटेड विद, जो स्लीपीनेस है वो कार्नेशन से एसोसिएटेड है। राइट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3। अगला है विच ऑफ द पोजिशन ऑफ द कोडान इज सेड टू बी वोल, तो किसको कहते हैं, इसके थर्ड स्ट्रेन को वोवल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए कंडीशन वेयर ए प्लांट सोमेटिक क्रोमोजोम इज नॉट एग्जिट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड सेट इज ए नोन एज, तो उसको कहेंगे एनोप्लाइड्स। राइट आंसर ये देखने को आपको मिलता है। फिनोमिना ऑफ म्यूटेशन वेयर एडेनिन बेस इज म्यूटेड टू थायमिन बेस इज कार, तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्जन, ठीक है। राइट आंसर ए है यहाँ पे। अगला है सिनॉप्सिस बिटवीन होमोलागस क्रोमोजोम अकर ड्यूरिंग, तो सिनॉप्सिस बिटवीन होमोलागस क्रोमोजोम कहाँ होती है, किस स्टेज में होती है, तो वो थी जाइगोटीन में, ठीक है। राइट आंसर 3 यहाँ पे आपका है। अगला है ए ब्रीडिंग मेथड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप वेयर मेनी डिजायरेबल प्लांट ऑफ सिमिलर फिनोटाइप आर सेलेक्टेड एंड देयर सीड्स आर मिक्स टू कंस्टिट्यूट न्यू वेराइटी इज अ नोन एस मास सेलेक्शन, तो इसका राइट आंसर मास सेलेक्शन कहा गया। मास सेलेक्शन की ये पूरी परिभाषा ही यहाँ पे देखी रखी है। प्योर लाइन क्या होता है, जब हम दो होमोलॉगस लाइन्स को हम आपस में करवाते हैं तो वहाँ पे हमें प्योर लाइन देखने को मिलती है। फिर पेडिग्री मेथड क्या होता है, पेडिग्री सेलेक्शन, तो यानी कि जब भी हम एसेंस्टर का उसके रिकॉर्ड रखेंगे और फिर उनके मध्य क्रॉस कराएंगे तो हमारी पेडिग्री सेलेक्शन कहलाता है। बैक क्रॉस मेथड में जब भी हमें किसी डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी बनानी है या किसी सेलेक्शन को हमें ऐड करना है तो हम बैक क्रॉस मेथड को अपनाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका जो है वो है मास सेलेक्शन बी ऑप्शन। अगला है रिकरेंट सेलेक्शन मेथड मोस्ट सुटेबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टू पॉपुलर साइमेंटेशली फॉर हाइब्रिड डेवलपमेंट इज है, तो इसका राइट आंसर है रेसिप्रोकल रिकरेंट सेलेक्शन ऑप्शन नंबर 2। अगला है ओकाजाकी फ्रेगमेंट रिफरेंट टू, तो इसका मतलब है शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस सिंथेसाइज ऑन लॉगिंग स्टैंड, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फिनोटाइप्स क्लास इज पॉसिबल इन एफ टू इफ टू जीन्स एक्सप्रेसिंग को डोमिनेंस, को मीन्स मतलब साथ साथ में डोमिनेंस करेंगे, इन एफ वन सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली, तो इसमें टोटल जो बनेंगे वो बनेंगे आपके 9। राइट आंसर इसका 2 मिल जाएगा आपको देखने। अगला दिया है मल्टीपल वेराइटी जो कॉन्सेप्ट था इसने, इसे किसने दिया था, तो राइट आंसर इसका ए है, जेंसन ने 1952 में इसको दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लाइन वैरायटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ टू स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए, तो राइट आंसर इसका मिलेगा एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स 2 ऑप्शन इसका जो 2 नंबर ऑप्शन है ये देखने को सही मिलता है। इफ अमाउंट ऑफ ग्वानिन वेस्ट इज 35% इन ए डीएनए वाट विल बी अमाउंट ऑफ एडेनिन बेस, तो अगर 35% है तो फार्मूले के थ्रू आप निकालेंगे तो 15% इसका यानी कि थर्ड ऑप्शन इसको राइट आपको देखने को मिलता है। इन मॉलिकुलर असिस्टेंट बैक क्रॉस ब्रीडिंग द बैकग्राउंड सेलेक्शन रेफर्स टू, इन मॉलिकुलर असिस्टेंट बैक क्रॉस ब्रीडिंग बैकग्राउंड सेलेक्शन रेफर्स टू मतलब क्या होता है इसका, रिकवरी ऑफ रिसेप्टर जीनोम। अगला है आइडेंटिटी द प्लांट विच बिलोंग टू क्रेस्टुलेशन एसिड मेटाबोलिज, क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि केम साइकिल में पाइनएप्पल आता है, और इसकी जो एग्जांपल है कुछ आप इसमें देख लीजिए। पहला तो इसका ओनियन होता है, फिर होता है गार्लिक, फिर होता है सीजल, फिर होता है लिली, और इसमें कैक्टस पाइनएप्पल भी आता है। तो यहाँ पे आपको पाइनएप्पल था तो पाइनएप्पल इसका राइट आंसर मिलेगा। इसी के साथ साथ कैम यहाँ पे प्लांट पूछा गया है, चूँकि अब की जो सीयूटी एग्जाम हो रहे हैं इसमें कैम C3 C4 से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा चलो समझ लेते हैं यहाँ पे कैम प्लांट के बारे में। पहले तो इनका जो C3 होता है, फिर C4 होता है, फिर कैम होता है। जो इनका प्रोडक्ट होता है C3 का वो होता है PGA फास्फोग्लिसरिक एटिक, और C4 का जो होता है वो आपका होता है ऑक्जिलिक एसिड एसिडिक। और जब यही कैम की जब बात करें तो इसमें दोनों बन जाते हैं। फिर जो फोटोसिंथेसिस रेट होता है सबसे ज़्यादा आपका होता है C4 में और सबसे कम होता है कैम में, ठीक है। और फिर इसके अलावा फोटो रिस्पायरेशन सबसे ज़्यादा होता है C3 में और सबसे कम होता है C4 में, और इसी के साथ साथ वाटर की जो यूज इफिशेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कैम प्लांट की और सबसे कम होती है C3 प्लांट की। ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा होता है C3 में और सबसे कम होता है कैम में। अब एग्जाम्पल की बात करें तो C4 के में एग्जाम्पल याद कर लेंगे आप, गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जबकि मैं आपको कैम में बता दिया ओनियन आता है, गार्लिक आता है, सीजल आता है, लिली आता है, कैक्टस और पाइनएप्पल, ये इसके एग्जाम्पल है।
तो आप जो भी क्वेश्चन इससे बनेगा तो आप कर ले जाएंगे। फिर आता है व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ फाइटोक्रोम पी एफ आर, तो जो इसका राइट आंसर है वो 730 नैनोमीटर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, विच हार्मोन इज रिलेटेड टू कोकोनट मिल्क, तो कोकोनट मिल्क में साइटोकाइनिन आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर इसका तीसरा है। विच प्लांट हैज लोएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे फोटोसिंथेसिस रेट किसकी कम है, तो जैसा कि अभी भी बताया तो राइट आंसर है आपको मिलेगा ब्रायसिनम। विच सीड हैज इपीजीएल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, तो जो इपीजीएल टाइप ऑफ जर्मिनेशन है वो कैस्टर में आपको देखने को मिल जाता है। विच अमीनो एसिड बिलोंग टू एसेंशियल अमीनो एसिड ग्रुप, तो लाइसिन ये एसेंशियल अमीनो एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है। राइट आंसर इसका 3 मिल जाएगा यहाँ पे। अगला है पटेटो ट्यूबर इज साइंटिफिकली कॉल्ड, तो पटेटो जो का जो ट्यूबर होता है इसको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। अगर राइट आंसर चौथा है यहाँ पे आपको, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एल्कोहल फ्रॉम पायरूवेट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, तो इसको हम एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहेंगे। राइट आंसर ए आपको आपको देखने को मिलता है। अगला है प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल इज ग्रुप्ड अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, तो राइट आंसर 2 मिलेगा देखने को, एनाबॉलिक प्रेशर होती है। अगला है व्हाइट ब्लड ऑफ मेज एंड खैरा डिजीज ऑफ राइस का एकम पॉइंट विद स्टैंड ग्रोथ ऑफ मेज एंड राइस इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ, तो यहाँ पे आपको हो सकता है व्हाइट ब्लड ऑफ मेज ना पता हो लेकिन खेरा तो पता है, तो खैरा के थ्रू आप इसको राइट कर सकते थे, तो ये होता है जिंक की डिफिशियंसी। राइट आंसर मिल जाएगा तीसरा इसमें। अगला है सेल डिवाइड ऑफ वाटर इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं फ्लेसिड सेल। ऑप्शन नंबर 4 सही है, यहाँ पे वो देखने को मिलता है। फिर आता है 5 मिलीग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर विल बी हाउ मैनी पीपीएम, तो 5 mg है तो इसका कितना पीपीएम कन्वर्ट करेंगे, तो इसका बन जाएगा 5 ppm। तो आज के लिए अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 59, आगे भी क्वेश्चन हम लोग पूरे अभी का जो ये फर्स्ट वीडियो है इसमें हमने 59 वीडियो 59 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसमें हम क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो आपके फीडबैक की हमें आवश्यकता है। आप किस प्रकार के क्वेश्चन चाहते हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मतलब सीयूटी में भी आप हॉर्टिकल्चर डोमेन से या एग्रीकल्चर या सॉयल वाटर से किससे तैयारी कर रहे हैं, वो हमें जानने का थोड़ा हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अपना डोमेन कमेंट बॉक्स में हमको टाइप कर दीजिए, ताकि हम जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको एक के लेवल में सेट करें जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सी यू टी की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो आई होप आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए हैं, जो वहाँ पे जितने भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सो आई होप आप अच्छे होंगे, सेहत का अपने ख्याल रखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर कीजिए, और खुद देख रहे हैं तो इसके लिए थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।